हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। वेल गाइस, ये द हिंदू का एडिटोरियल है 15th February 2019 फ्राइडे। देखते हैं किस बारे में है गाइस। ऑडिटर्स अकाउंट, यहाँ पर हेडिंग है ऑडिटर्स अकाउंट। ऑडिटर कौन होते हैं? जो ऑडिट करते हैं, जो लेखा परीक्षण करते हैं, तो यह है कि ऑडिटर्स का अकाउंट। तो ऑडिटर के अकाउंट के बारे में है कि ऑडिटर ने क्या, मतलब अपने अकाउंट से क्या बाहर निकाला, क्या उन्होंने परीक्षण किया, उस बारे में है। तो देखते हैं, द सी ए जी रिपोर्ट डज नॉट अले ऑल डाउट्स अबाउट द रफेल डील। अब इसको समझते हैं गाइज, ये रफेल के बारे में है, वो जो जेट है, जो प्लेन है, लड़ाकू विमान है, उसके बारे में है। तो आप लिंक करके समझ लीजिएगा, मैं ट्रांसलेट करना शुरू करता हूँ। देखिए, जो सी ए जी की रिपोर्ट है, ओके, एक संस्था है सी ए जी जो कि रिपोर्ट बनाती है, ऑडिट करती है। तो यहाँ कह रहा है कि सी ए जी की रिपोर्ट डज नॉट अले, अले का मतलब होता है शांत करना, कम करना, उस चीज़ को दबा देना। तो इसीलिए जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है अले ले 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 ले, तो वो अले वही है। तो इंग्लिश वर्ड है, लोगों को पता नहीं होता काफ़ी लोगों को। तो सी ए जी रिपोर्ट डज नॉट अले, जो सी ए जी की रिपोर्ट है वो कम नहीं करती है ऑल डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं उसको नहीं कम कर पाती है अबाउट द रफेल डील। और ये डाउट्स किस बारे में है? रफेल की जो डील हुई है उस बारे में जितने भी डाउट्स है उसको ये रिपोर्ट भी उस डाउट को खत्म करने में असमर्थ है। द प्राइज रिडेक्टेड ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑन हमारा प्रेपोजिशन है, तो इससे पहले आप ये जो देख रहे हैं ये आपका पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका कोई वर्ब भी होगा, वर्ब ये है इज, देख रहे हैं आप। तो देखिए क्या कह रहा है, द प्राइज रिडेक्टेड ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि ऐसा ऑडिट रिपोर्ट जो कि प्राइज रिडेक्टेड है। प्राइज रिडेक्टेड का मतलब, रिडेक्ट का मतलब होता है कि आप संशोधन करते हैं, काट छाट करते हैं, एडिट करते हैं। तो ये जो प्राइज का संशोधन किया हुआ जो एक ऑडिट रिपोर्ट है, किस पर रिपोर्ट है? ऑन द प्रोसेस, एक प्रोसेस पर रिपोर्ट है। किस चीज़ का प्रोसेस है? तो टू से जुड़ा हुआ सेंटेंस को देखिए तोड़ तोड़ कर, टू अक्वायर 36 राफेल फाइटर जेट्स, यानी कि एक प्रोसेस चल रहा है 36 राफेल फाइटर जेट, जो लड़ाकू विमान है उसका नाम राफेल है। तो 36 राफेल को जो खरीदने का जो प्रोसेस चल रहा है उस पर एक ऑडिट रिपोर्ट आया है। इज, वो जो रिपोर्ट है इज अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब होता है कि यूँ समझ लीजिए कि अब असंभव सा है, ना होने की संभावना है। तो इज अनलाइकली टू ब्रिंग क्लोजर टू द कॉन्ट्रोवर्सी ओवर द डील। तो अनलाइकली टू मतलब कि अब संभव नहीं लग रहा है, टू ब्रिंग क्लोजर, क्लोजर का मतलब होता है कि आप एक समापन लाते, एक अंत कर देते हैं, तो उसे क्लोजर कहते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है, अनलाइकली लग रहा है टू ब्रिंग क्लोजर, उस अंत को लाने का, उस रोक रुकावट को लाने का, टू द कॉन्ट्रोवर्सी ओवर द डील, इस डील के ऊपर जो भी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, जो भी विवाद चल रहा है, उस विवाद पर लगाम लगाने में ये अनलाइकली टू ब्रिंग है, मतलब ये असंभव सा है कि ये जो रिपोर्ट है इससे भी ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी। देखिए घुमाया है, कहने का मुद्दा बस मतलब यही है कि कैग की रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के बाद भी ये कंट्रोवर्सी जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये रिपोर्ट भी कंट्रोवर्सी को क्लोजर नहीं ला पा रही है, उसको अंत नहीं कर पा रही, समझ में आ गया। द रिपोर्ट ऑफ द कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये जो कैग है सी ए जी उसका ये फुल फॉर्म है, कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये जो रिपोर्ट है कैग की, जो रिपोर्ट है ऑफ इंडिया, हाँ जनरल ऑफ इंडिया टेबल्ड इन पार्लियामेंट। अब देखिए यहाँ इस रिपोर्ट के बारे में क्या बात कही जा रही है कि ये जो रिपोर्ट है कैग का टेबल्ड इन पार्लियामेंट, टेबल का मतलब होता है पेश करना, जिसे पेश किया गया था पार्लियामेंट में, कम्स इन द मिड्स, ये जो कम्स देख रहे हैं ये जो वर्ब है इस रिपोर्ट के लिए है, ये ऑफ है, तो ऑफ से पहले जो है आपका सब्जेक्ट है, तो इस रिपोर्ट के लिए आपका एक सिंगुलर वर्ब आया कम्स। और बाकी इस रिपोर्ट की पूरी यहाँ तक व्याख्यान दिया गया है कि किसका रिपोर्ट, कहाँ पर पार्लियामेंट में टेबल हुआ, कम्स इन द मिड्स, वो जो रिपोर्ट है वो कब आता है, इन द मिड्स का मतलब उस बीच में आता है, ऑफ अ विगरस कैंपेन, एक ऐसा कैंपेन जो कि बहुत ही जोरदार, बहुत ही बलवान एक कैंपेन चलाया जा रहा था, किसके द्वारा, बाय द अपोजिशन, अपोजिशन के द्वारा एक कैंपेन चल रहा था कि भाई ये गलत है, खराब है, दैट इज क्वेश्चनिंग द प्रोसेस, जो कि इस प्रोसेस पे क्वेश्चन उठा रहे थे, सवाल उठा रहे थे, बेस्ड ऑन मीडिया
रिवेलेशन, जो कि मीडिया के उस रिवेलेशन पर था। रिवेलेशन का मतलब होता है कि जो आप पर्दाफाश करते हैं, जो चीज़ आप सामने लाते हैं वो रिवेलेशन है। तो मीडिया कुछ चीज़ें सामने लाई थी, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन उठाए जा रहे थे अबाउट पॉसिबल लैप्सेस। लैप्सेस का मतलब वो चूक, वो गलती, कि कुछ ऐसे संभवतः कुछ ऐसे गलतियाँ हुई है। एंड डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है कि आप एक विचलन हो जाता है, पथ से भटक जाते हैं, तो ये सब कुछ गलतियाँ हुई हैं। एंड सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट भी उठाए गए थे रेज्ड बाय डिसेंटिंग मेंबर्स। डिसेंटिंग का मतलब होता है जो असहमत मेंबर्स हैं ऑफ द इंडियन नेगोशिएटिंग टीम, जो INT है, उनके कुछ मेंबर्स हैं, उनके वो सहमत नहीं थे, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए। तो ये सारी चीज़ें मीडिया के द्वारा सामने रखी गई थी, उस पर एक विगोरस कैंपेन चला रहे थे जो अपोजिशन वाले हैं, यानी कि वो इसके खिलाफ जा रहे थे। तो इतने बड़े सेंटेंस का एक ही मतलब निकल कर आया है कि राफेल पर जो अपोजिशन वाले हैं वो बहुत सारे सवाल उठा रहे थे। तो ये जब चल रहा था तो उसी बीच में, इन द मिड्स ऑफ, उस दरमियान, उस बीच में क्या होता है कि ये रिपोर्ट आती है, द मोदी गवर्नमेंट, यानी कि मोदी गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, कैन ड्रॉ कम्फर्ट। अब देखिए कैन है, यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो कम्फर्ट ला सकती है। कम्फर्ट किस बारे, कहाँ से ला सकती है? फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य से ला सकती है, यानी कि इतना जो बवाल हो रहा है उस पर भी वो एक आरामदायक सिचुएशन ला सकती है फ्रॉम द फैक्ट, उस तथ्य से, दैट द कैग रिपोर्ट कंक्लूड्स। कैग की जो रिपोर्ट है वो ऐसा कंक्लूड करती है, ऐसा मतलब कंक्लूजन देती है, निष्कर्ष निकालती है, दैट द 2016 अग्रीमेंट इज स्लाइटली बेटर। जो 2016 में जो अग्रीमेंट हुआ वो काफ़ी हद तक, स्लाइटली मतलब काफ़ी हद तक बेटर है, बेहतर है, इन टर्म्स ऑफ बोथ, दोनों ही तरीकों से। किस किस तरीके से? प्राइजिंग, यानी कि जो मूल्यांकन है, जो दाम है, एंड डिलीवरी, और जो डिलीवर होने का जो डेट तय हुआ होगा। तो इन दोनों हिसाब से 2016 में जो अग्रीमेंट हुआ है, मोदी सरकार की गवर्नमेंट ने किया है, वो बेटर है किसकी अपेक्षा? देन व्हाट वाज अंडर नेगोशिएशन, व्हाट का मतलब जो है, जो कि एक नेगोशिएशन में चल रहा था, एक तोल मोल समझौते में चल रहा था, सौदेबाजी में, इन 2007 में, ड्यूरिंग द UPA रेजिम। रेजिम का मतलब जो उनका शासन है, तो UPA के शासन 2007 में जो नेगोशिएशन चल रहा था उससे तो अच्छा 2016 का जो अग्रीमेंट है वो बेटर है, ऐसा कैग की रिपोर्ट बताती है। ओके, हाउएवर का मतलब होता है फिर भी, इसके बाद भी, द रिपोर्ट डज नॉट अले ऑल डाउट्स। तो इतना सब कुछ होने पर भी जो रिपोर्ट है वो सारे डाउट्स को अले नहीं करती, उसको कम नहीं कर पा रही, वो करने में ना कहते असमर्थ है। तो क्लियर यहां तक हो गया? तो कैग की रिपोर्ट पर भी ये दिखाया जा रहा है कि रिपोर्ट आ गई है, तब भी जो डाउट्स है वैसे के वैसे है, अपोजिशन जो है अभी शक किए जा रही है। आगे देखते हैं, पेग्ड एट 2.86%। पेग्ड क्या होता है? पेग्ड का मतलब यूँ समझ लीजिए कि पिन से कोई चीज़ बंधा हुआ होता है, यानी कि आपने उसको पिन अप कर दिया है, फिक्स कर दिया, उसे पेग कहते हैं, खूंटा गाड़ दिया है। तो पेग्ड एट 2.86%, यानी कि कुछ 2.86% की कुछ बात हो रही है। क्या है ये? कॉमा देकर देखिए, द प्राइस, एक ऐसा प्राइस है, प्राइस एडवांटेज है, यानी कि प्राइस में हमें फ़ायदा मिला है, इन द कॉन्ट्रैक्ट ओवर 2007 ऑफर इज मार्जिनल। तो ये जो 2.86% का जो एक प्राइस एडवांटेज है इस कॉन्ट्रैक्ट में ओवर 2007 ऑफर इज मार्जिनल, ये मार्जिनल है, इसमें थोड़ा मार्जिन है, मतलब 2.86 के फायदे की बात कही जा रही है। इट इज़ फार क्राई, फार क्राई का मतलब कि बहुत दूर, यू नो, फार क्राई, तो इट इज़ फार क्राई मतलब ये एकदम अलग है, बहुत दूर है फ्रॉम द 9%, उस 9% से तो बिल्कुल अलग है। 2.86% सेविंग, मतलब 9% की बचत की बात करी गई थी, क्लेम्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि 2.86% का फायदा तो पहुंच रहा है, मार्जिनल है, लेकिन वो 9% वाली बात झूठी है, ये कुछ कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्लेम किया था कि भाई 9% आपको मिलेगा, मतलब इसमें छूट मिलेगी, ये जो नेगोशिएशन हो रहा है या जो डील हो रही है, तो वो बात गलत है, यानी कि फार क्राई है, फार क्राई का मतलब बिल्कुल अलग है। द डिलीवरी शेड्यूल इज ओनली 1 month सूनर देन द एस्टिमेटेड आउटर लिमिट इन द अर्लियर प्रोसेस। अब यहाँ ये जो प्रोसेस है जो 2016 में जो हुआ था, तो यहाँ बात कही जा रही है कि जो डिलीवरी शेड्यूल है, यानी कि कब डिलीवर होगा, जितने भी जो
जेट्स हैं, कब डिलीवर होंगे, तो ये सिर्फ एक महीने जल्दी है, इज ओनली वन मंथ सूनर, एक महीने पहले हो जाएगा किसकी अपेक्षा देन द एस्टिमेटेड, जो अंदाजा लगाया गया था आउटर लिमिट इन द अर्लियर प्रोसेस, जो पिछला जो प्रोसेस रहा होगा उसका जो एक आउटर लिमिट रहा होगा कि हाँ भाई इतने दिन में पहुँचेगा, तो उससे एक महीना पहले तो ये पहुँच जाएगा, ये फ़ायदा है। द कैग हैज़ फाउंड, कैग ने ऐसा पाया है फॉल्ट विद डसॉल्ट एविएशन, मतलब ये डसॉल्ट जो कंपनी है तो उसके बारे में बात कही जा रही है कि जो कैग ने क्या पाया है, इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि एक फॉल्ट पाया है, डसॉल्ट एविएशन का फॉल्ट है, बीइंग अलाउड, अब यहीं पर बीइंग है मतलब ये पैसिव दिखाया जा रहा है कि उस डसॉल्ट एविएशन को अलाउ किया जा रहा है टू रिटेन द गेंस, रिटेन का मतलब कायम रखना, कि आप उस गेन को उस फायदे को बनाए रखें, मेड बाई द एब्सेंस ऑफ अ बैंक गारंटी, यानी कि वो ऐसा फ़ायदा है जो कि बिना बैंक गारंटी के, एब्सेंस ऑफ बैंक गारंटी, कि बिना किसी बैंक गारंटी के वो आप फ़ायदा ले रहे हैं उसको बरकरार रख रहे हैं, तो ये फॉल्ट कैग ने पाया है, यानी कि बैंक की गारंटी होनी चाहिए थी। तो गाइज मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आप लिंक करते रहिए किस बारे में है ये। देखिए विच इफ़ एग्जीक्यूटेड, विच मतलब जो, इफ़ एग्जीक्यूटेड अगर इसे इस पर काम हो जाता, एग्जीक्यूट किया जाता, वुड हैव कम विथ सिग्निफिकेंट चार्जेस, वुड हैव मतलब कि ऐसा होता कि बहुत सारे महत्वपूर्ण चार्जेज इस पर लग जाते, आरोप इस पर लग जाते, चार्जेस लग जाते, तो ये बात कही जा रही है कि यानी कि कैग का जो रिपोर्ट है उसने क्या पाया है कि एक गलती पकड़ी है, ये जो डसॉल्ट एविएशन है इसको अलाउ किया जा रहा है कि टू रिटेन द गेंस किया जा रहा था, इसको अलाउ किया जा रहा था रिटेन द गेंस मेड बाई एब्सेंस ऑफ बैंक गारंटी, यानी कि बिना बैंक के गारंटी के कुछ होगा कि कुछ बैंक को नहीं रखा होगा उस, मतलब उसकी गारंटी नहीं ली होगी। डिसअपॉइंटिंगली यानी कि निराशाजनक रूप से द कैग हैज़ नॉट क्वांटिफाइड, यानी कि जो कैग है उसने क्वांटिफाई नहीं किया दिस अमाउंट, क्वांटिफाई का मतलब होता है किसी मात्रा को निर्धारित करना, तो कैग ने वो मात्रा नहीं बताई, दिस अमाउंट, इस अमाउंट को नहीं बताया, दो इट डिक्लेयर्स, फिर भी ये ऐसा तो डिक्लेयर करता है दैट इट शुड हैव बीन पास्ड ऑन टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, कि इसको डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया जाना चाहिए था, यानी कि बात कर रहे हैं उस गेन की, फ़ायदे की बात तो कर रहे हैं, कैग ने जो मिस्टेक पकड़ी है कि कोई फ़ायदा बिना बैंक की गारंटी के फ़ायदा मिल रहा है डसॉल्ट को, लेकिन उसने इसको क्वांटिफाई नहीं किया, मतलब कोई मात्रा नहीं बताया कि कितना फ़ायदा मिल रहा है, फिर भी इतना डिक्लेयर कर दिया है कि इट शुड हैव बीन पास्ड, इसको पास किया जाना चाहिए था, शुड हैव बीन है तो किया जाना चाहिए था ऑन टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री को तो ये कम से कम दिया जाना चाहिए था। The 2007 price offered by Dassault included bank charges. अब फिर 2007 price की बात हो रही कि वो जो 2007 का जो price था Dassault के द्वारा जो offer किया गया था उसमें bank charges included थे, लेकिन इस वाले में bank की कोई guarantee नहीं ली गई। And its absence in 2016 contract is a clear benefit to the company. अब है कि 2016 में इसका जो absence है, यानी कि इस बार जो बैंक के चार्जेस नहीं है, तो ये जो एब्सेंस है 2016 के कॉन्ट्रैक्ट में इज अ क्लियर बेनिफिट, ये साफ साफ एक फ़ायदा दिख रहा है टू द कंपनी, कि कंपनी का फ़ायदा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में द एडवांटेज इज लोअर देन द 2.86%, यानी कि जो फ़ायदा जो है वो कम है, 2.86% से जो फ़ायदा है वो कम है। वाइल द की क्वेश्चन ऑफ प्राइजिंग इज सॉट टू बी रिजॉल्व्ड By the CAG, पहले यहाँ तक देखते हैं। While the key question, जबकि, while मतलब जबकि, key question, key मतलब जो सबसे important है, जो important question of pricing, ये जो price का जो important question है, is sought to be, seek मतलब होता है ढूंढना, मांगना, तलाश करना, तो is sought to be resolved, इसको resolve किए जाने की मांग है by the CAG, CAG के द्वारा, कि इसको भाई resolve किया जाए, क्या करके, by comparing the auditor's aligned price, जो ऑडिटर ने जो एक अलाइंड प्राइस निकाला है उसका कंपेयर करे विद द INT's कंप्यूटेशन, और INT है तो INT का जो एक कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन मतलब उसकी जो एक गणना है, कैलकुलेशन है, उसके साथ आप मतलब कंपेयर करके आप इसको रिजॉल्व करें। देख रहे हैं सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है प्राइजिंग का, इट्स सॉट टू बी रिजॉल्व, इसको रिजॉल्व किए जाने की आवश्यकता है, डिमांड है बाय कैग, कैग के द्वारा क्या करके, तो बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करके, क्या कंपेयर करके, द ऑडिटर्स अलाइंड प्राइस, ऑडिटर का जो एक अलाइंड प्राइस है विद किसके साथ, INT कंप्यूटेशन,
जो INT है उसका जो एक कंप्यूटेशन, उसकी जो गणना है, कैलकुलेशन है, उसके साथ कंपेयर करके। सम इश्यूज़ रिमेन अनएड्रेस्ड, कुछ ऐसे इश्यू हैं जो बरकरार हैं, अनएड्रेस्ड हैं, जिनको मतलब वो नहीं हट सकते, सॉल्व नहीं हो सकते, वो अनएड्रेस ही है। द ओरिजिनल इशू ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द टोटल एक्विजिशन फ्रॉम 126 टू 36 एयरक्राफ्ट डज नॉट ड्रॉ मच कमेंट। इतना बड़ा सेंटेंस है, देखते हैं। द ओरिजिनल इशू यानी कि जो सबसे जो मेन जो मुद्दा है किस चीज़ का, और ब्रिंगिंग डाउन नीचे लाने का, द टोटल एक्विजिशन टोटल जो अधिग्रहण है फ्रॉम 126 टू 36 एयरक्राफ्ट, यानी कि 126 एयरक्राफ्ट को लाने थे और उसमें से आप उसको कितना नीचे ले आए, 36 पर ले आए। ब्रिंग डाउन 126 टू 36 एयरक्राफ्ट डज नॉट ड्रॉ मच कमेंट, इस पर तो ज़्यादा कोई कमेंट है ही नहीं, डज नॉट ड्रॉ ये नहीं खींचता है मच कमेंट, ज़्यादा कमेंट को। ऑल्सो द ह्यूज आउटगो, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, आउटगो मतलब जो खर्चा है, जो बहुत बड़ा खर्चा है किस पर, ऑन द इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट, यानी कि जो ISE है इसका जो स्पेसिफिक एनहांसमेंट पे इतना बड़ा जो खर्चा हो रहा है, डिस्पाइट इसके बावजूद द फाइनल फिगर जो मेन फिगर है बीइंग प्रोजेक्टेड, जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा था एज 17% सेविंग, कि भाई 17% सेविंग को हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा बाहर दिखा रहे हैं कि 17% जो सेविंग है वो होगा, इसके बावजूद किस पर होगा, ऑन द अलाइंड ऑफर, जो अलाइंड ऑफर है उस पर होगा, तो उसके बावजूद क्या है कि इतना बड़ा जो खर्चा किया जा रहा है, इज समथिंग ऐसा कुछ है दैट रिक्वायर्स डीपर एग्जामिनेशन, जिसको एकदम बहुत ही गहरे जांच की ज़रूरत है, एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, यानी कि एक बहुत बड़ा खर्चा किया जा रहा है इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट पर, इसके बावजूद कि पहले एक फाइनल फिगर प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि भाई 17% सेविंग होगी अलाइंड ऑफर पर, तब भी ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो ये क्या है, ये समथिंग दैट रिक्वायर्स डीपर एग्जामिनेशन, इसको बहुत गहरे एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, एग्जामिन करो, इसकी जांच करो। वाइल ऑडिटिंग द अर्लियर प्रोसेस, वाइल का मतलब दो मतलब होते हैं, एक तो कोई काम करते समय होता है, तो ये करते समय वाला ही है, वाइल ऑडिटिंग यानी कि वो जांच करते समय, द अर्लियर प्रोसेस जो पुराना जो प्रोसेस था उसकी, उसको ऑडिट करते समय, द कैग फाउंड, कैग ने पाया दैट ISE यानी कि ये जो आपका है इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट जो है, वर अपग्रेड्स अलाउड, अच्छा उसके जो अपग्रेड्स अलाउड थे टू बी मेड, यानी कि अपग्रेड को दिखाओ, मतलब अपग्रेड करो उसके अंदर, ISE ऐसे समझिए, ISE वर अलाउड टू बी मेड, उसके जो अपग्रेड्स हैं यानी कि उसके अंदर कुछ अपग्रेड लाओ, अलाउड टू बी मेड वो अलाउ किए गए थे, सो दैट ताकि डसोल्ट्स बिड, डसोल्ट का जो बिड है, जो बोली है, वुड बी कंप्लायंट विथ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, जो भी जो क्वालिटी चाहिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है उससे वो मैच करे, कंप्लाई विद करे, मतलब उसका पालन करे, कंप्लायंट मतलब वही जो एकदम उसके साथ तालमेल बैठाए, आज्ञा माने। इवन अ टीम ऑफ मिनिस्ट्री, यहाँ तक कि एक मिनिस्ट्री की टीम, मिनिस्ट्री ऑफिशियल की टीम दैट एग्जामिन, जिसने एग्जामिन किया था इन मार्च 2015 द इंटीग्रिटी ऑफ द अर्लियर प्रोसेस, यानी कि पुराना जो प्रोसेस था उसके इंटीग्रिटी को, उसके सत्यता को, उसके सत्यनिष्ठा को, जो एक 2015 में मिनिस्ट्री, जो टीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने एग्जामिन किया था, कंक्लूडेड, उसने ऐसा कंक्लूड किया, ऐसा निष्कर्ष निकाला दैट द एक्सेप्टेंस ऑफ डॉसोल्ट्स एडिशनल कमर्शियल प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस ऑफ डॉसोल्ट्स एडिशनल कमर्शियल प्रपोजल, यानी कि डॉसोल्ट का कोई कमर्शियल प्रपोजल होगा उसको स्वीकार करना, आफ्टर बिड सबमिशन, बिड के सबमिशन के बाद, उस डेट के बाद, वॉज अनप्रिसिडेंटेड, ये जो बात थी बिल्कुल अनोखी बात थी, अनप्रिसिडेंटेड मतलब अनोखा, इससे पहले कभी ना हुआ हो, एकदम अद्भुत, एंड अगेंस्ट द कैनन्स, कैनन्स का मतलब होता है कि आपकी जो कसौटी है, जो एक कसौटी बनी हुई है उसके खिलाफ, उस अधिनियम के खिलाफ, किसके खिलाफ, ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, तो ये कुछ एक बात कही गई है कि इसके बिल्कुल खिलाफ था ये, 2015 में जांच हुई जिसने ये कंक्लूड निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो डॉसोल्ट का जो एक्सेप्टेंस था, स्वीकार करना था एडिशनल कमर्शियल प्रपोजल बिड के सबमिशन डेट के बाद, ये बिल्कुल अनोखा था, और ये किसके खिलाफ था, अगेंस्ट द कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, इसके कसौटी के खिलाफ था। डसोल्ट वॉज नॉट द लोवेस्ट बिडर, यानी कि जो डसोल्ट है वो सबसे लोवेस्ट बिडर नहीं था, कि जो बोली लगती है तो सबसे कम जिसकी बोली लगी उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि डसोल्ट सबसे कम बोली वाला था, वो नहीं था,
इन द अर्लियर प्रोसेस, पुराना जो प्रोसेस हुआ था 2007 वाला, तो डॉसल्ट को चुना गया, तो ये सबसे कम बोली लगाने वाला तो नहीं था ये। एंड इट्स टेक्निकल बिड, इसका जो टेक्निकल बिड था, बोली थी, हैड बीन रिजेक्टेड, पास्ट परफेक्ट का पैसिव, इसे रिजेक्ट किया जा चुका था। परहैप्स, शायद, दिस प्रेजेंटेड, तो इस चीज़ ने प्रेजेंट किया एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक अवसर को सामने लाया, टू द प्रेजेंट रेजिम, यानी कि जो प्रेजेंट मतलब जो अभी वर्तमान के जो शासन है उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी रखा, क्या करने का, टू रीओपन द एंटायर प्रोसेस, उस पूरे प्रोसेस को दोबारा से रीओपन करने का, टू बाई मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MMRCO को खरीदने का, एंड इनवाइट फ्रेश बिड्स, और फिर से नई बोली को इनवाइट करने का कि भाई नई बोली लगाई जाए। यानी कि वो जो बात था कि डॉसल्ट को जो ये दिया गया था, तो जब उसकी जब कम बोली भी नहीं थी तब भी उसे ही चुना गया, तो ये और उसके टेक्निकल चीज़ को रिजेक्ट भी कर दिया गया था, तो फिर क्यों चुना गया। तो ये सब चीज़ें एक नई अपॉर्चुनिटी बनी है जो पुरानी जो अभी प्रेजेंट की सरकार है, ताकि फिर से प्रोसेस चालू हो, फिर से मतलब जो बिडिंग है वो चालू हो, ये बात है। हाउएवर, फिर भी, इसके बाद भी, इट चोज द IGA रूट। ये सब IGA, आई डोंट नो अबाउट इट, आपको जानना पड़ेगा कि इसने चुना IGA के रूट को, रास्ते को, विद फ्रांस, फ्रांस के साथ, पॉसिबली फॉर डिप्लोमेटिक रीज़न, यानी कि IGA रूट को फ्रांस के साथ जो ये चुना, ये किस लिए चुना, जरूर कोई ना कोई डिप्लोमेटिक रीज़न कारण रहा होगा, डिप्लोमेटिक जो मतलब सीधा ना हो, घुमा करके हो, तो डिप्लोमेटिक रीज़न रहा होगा। द कैग आइडेंटिफाइज, कैग बिल्कुल ऐसा आइडेंटिफाई करती है एज अ मेजर प्रॉब्लम, कि एक मेजर प्रॉब्लम है द फैक्ट दैट द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आर टू नैरोली डिफाइंड फॉर मोस्ट वेंडर्स टू कंप्लाई विद। तो कैग इस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है एज अ मेजर प्रॉब्लम, सबसे बड़े प्रॉब्लम के रूप में ये पहचानती है द फैक्ट दैट, ये कि द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, जो टेक्निकल जो ज़रूरत है, आर टू नैरोली डिफाइंड, उसको इतने बहुत ही नैरो का मतलब था क्या बोलूँ मैं हिंदी में, नैरो मीन्स एकदम पतला, संकरी, आई थिंक संकरी हिंदी वर्ड सही रहेगा, तो बहुत ही सूक्ष्मता से डिफाइन किया गया है फॉर मोस्ट वेंडर्स, जो जितने भी वेंडर हैं उनके लिए, टू कंप्लाई विद। तो जब इतना नैरो बताया गया है तो कैसे कोई उसका पालन करेगा, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है उसको सही से बताया ही नहीं गया, नैरोली डिफाइन किया गया है, तो कैसे कोई इसको कंप्लाई विद करेगा, पालन करेगा। तो ये चीज़ कैग ने इसको आइडेंटिफाई किया है कि ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। द मैसेज फ्रॉम द रिपोर्ट, रिपोर्ट से जो मैसेज मिलता है इज दैट, वो ये है दैट डिफेंस एक्विजिशन, जो भी जो डिफेंस, जो सुरक्षा का जो एक्विजिशन है, जो अधिग्रहण है, ये जो प्रोसेस है, रिक्वायर रिफॉर्म्स, इसमें सुधार की ज़रूरत है, एंड स्ट्रीम लाइनिंग की ज़रूरत है, यानी कि इसको थोड़ा सरल बनाने की ज़रूरत है, स्ट्रीम लाइन मतलब सरल बनाना। गाइज, मैंने सारा ट्रांसलेट तो किया है, बट मुझे भी ज़्यादा इस न्यूज़ के बारे में मालूम नहीं है, मैं बिल्कुल टीवी नहीं देखता हूँ, न्यूज़ से दूर रहता हूँ गाइज, तो बिल्कुल मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैं बस ट्रांसलेट कर सकता हूँ, तो आई होप कि अगर आपको न्यूज़ पता होगा तो आप समझ गए होंगे गाइज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, थैंक यू गाइज।